मोदी सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के इस कार्यकाल का बजट पेश किया, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। तो वहीं अब सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्यों सरकार से नाराज हुए हैं सरकारी कर्मचारी, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का नया बजट पेश होते ही वो आलोचनाओं से घिर गया है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट बेहद ही निराशाजनक है और अब विपक्ष का ये दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है। बजट में सहयोगी राज्यों को विशेष पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन सरकार के सहयोगी कर्मचारियों के लिए कोई राहत की खबर नहीं थी। कई केंद्रीय संगठन लंबे वक्त से नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन न ही इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र था और न ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा की गई, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि NPS को लेकर जल्द ही उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को सरकार पर भरोसा नहीं है। AIDEF के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को OPS चाहिए, इससे कम उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, और OPS 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर 2 अगस्त को AIDEF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। श्री कुमार ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। वहीं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बजट में कर्मचारियों की सभी मांगों की अनदेखी की गई है। लांबा ने कहा कि 13-14 अगस्त को राष्ट्रीय कार्य समिति की हैदराबाद में होने वाली बैठक में पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।